हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसिपल ऑफ डिएटर के बारे में बात करेंगे। डिएटर हमारा थर्मल पावर प्लांट्स में डिएरेशन के लिए यूज होता है। डिएरेशन का मतलब है कि हमारा जो फीड वाटर जो फीड हो रहा है बॉयलर में, जो कि हमारे एलपीटर से होते हुए डिएटर में जाता है, डिएटर से होते हुए फिर पंप से होते हुए फिर वो हमारा बॉयलर में जाता है, तो उस दौरान उसमें बहुत सारे कंटेंट डिजॉल्व ऑक्सीजन का आ जाता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन हो सकता है और भी डिजॉल्व उसमें बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं। वो आगे जाके पाइपिंग में रस्टिंग कर सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। ऑक्साइडाइजेशन कर सकता है, उसका कोरोजन कर सकता है। तो बेहतर है कि हम उन ऑक्सीजन और जो गैसेस हैं उनको पहले ही निकाल लें। तो इसके लिए हमारा एक युक्ति है, एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं डिएरेटर, जो कि इस चीज़ को पूरा करता है। अब डिएरेटर हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये हम जान लेना बहुत ज़रूरी है। डिएरेटर ये हमारा हेनरीज लॉ पे काम करता है। हेनरी लॉ कहता है कि भाई अगर हमें किसी जगह दो, मान लो दो हमारे पास डिफरेंट उनकी जो सॉल्युबिलिटी है अलग अलग है, जैसे कि लिक्विड और गैसेस हैं, तो किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी जो है ना वो उसके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। तो ऐसे ऐसे अगर हम पार्शियल प्रेशर घटा दें किसी का, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी उस मिक्सचर से कम हो जाएगी, यानी कि वो एस्केप कर जाएगा। तो सेम चीज़ ऐसी होता है, हमारा फीड वाटर जो आता है हमारा फाइनली, उसमें क्या है कि हम प्योर स्टीम डाल देते हैं, दैट इज़ नॉट इज हैविंग एनी टाइप ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन इट और डिजॉल्व ऑक्सीजन डिजॉल्व गैस इन इट। तो डिजॉल्व गैस नहीं, ऑक्सीजन है। अगर स्टीम जो जा रहा है, अगर हम उसको पानी में मिला रहे हैं, उस पानी में मिला रहे हैं जिसमें कि ऑलरेडी पानी भी है, कुछ गैसेस भी हैं, कुछ ऑक्सीजन कंटेंट भी है, तो क्या होगा कि पानी और स्टीम मिलेगी तो पानी पानी की सॉल्युबिलिटी एक हो जाएगी, गैसेस हमारी उस वेसल में उनका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे जैसे उनका पार्शियल प्रेशर कम होगा तो वो स्किप करेंगे। तो ये हेनरीज लॉ है। दूसरा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं डेरेशन में, क्या के साथ में स्टीम डालते हैं, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता है, तो फीड वाटर जो टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, बढ़ने से हमारी जो गैसेस हैं वो स्किप कर जाती हैं। ठीक है, तो दो प्रिंसिपल्स हैं, इनसॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दो हमारे प्रिंसिपल्स काम हो गए पे हमारे डिएरेशन हो जाता है। और ये फाइनली जो वाटर हमारा रेट्रीटेड वाटर है वो हमारा बॉयलर में चला जाता है। अब डिएटर हमारे कितने तरह के होते हैं? डिएटर हमारे दो तरह के होते हैं। पहला डिएटर होता है ट्रे टाइप का और दूसरा होता है स्प्रे टाइप का। ट्रे टाइप में क्या होता है कि एक अलग से कंटेनर रहता है, एक टैंक कह सकते हैं, जिसमें कि ट्रेज लगी रहती हैं, उसमें से ऊपर से सबसे ऊपर से फीड वाटर गिरता है और उसके जिस ट्रेस के नीचे से स्टीम ब्लेड स्टीम डालते हैं और ट्रेस से होते हुए हमारा पानी छनते हुए ट्रेस से होते हुए फाइनली हमारा डिएरेशन हो जाता है और ये कलेक्ट हो जाता है हमारे टैंक में। इसको FST कहते हैं। दूसरा है कि हमारे एक FST के अंदर ही हमारा ब्लीडिंग होता है, स्टीम का स्प्रे डाल देते हैं। वो दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन काम दोनों का एक ही डिएरेशन का काम होता है। आगे भी ऐसी वीडियो डालता रहूँगा, आप देखते रहिए। थैंक यू।